घर में सो रहे दलित की धारदार हथियार से हत्या। एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर मुआवजा हड़पने के बाद साथियों ने कर दी हत्या। जनपद लखीमपुर खीरी थाना ईसा नगर क्षेत्र के ग्राम मिश्रण पूर्वा में बीती रात लगभग 1:30 बजे एक 45 वर्षीय अधेड़ दलित मुनिजा गौतम की धारदार हथियार से हत्या कर दिए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस हत्याकांड के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के चचेरे भाई घनश्याम ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व मृतक मुनिजा गौतम व निजामुद्दीन एवं राम निवास निवासी ग्राम धाकनिया ने मुआवजे की रकम के लालच में एक निर्दोष पंडित ताराकांत पांडे के ऊपर साजिशन फर्जी दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। पहले तो ताराकांत का आर्थिक व मानसिक शोषण किया, फिर निजामुद्दीन की झूठी गवाही देकर शासन को गुमराह कर दलित उत्पीड़न हेतु दी गई शासकीय सहायता 2,25,000 रुपए मुनिजा के खाते से निकलवा कर राम निवास स्वयं अकेले ही हड़प गया। वही हिस्से के रुपए नहीं मिलने पर कल सुबह निजामुद्दीन ने मुनिजा को जान से मारने की धमकी दी और रात में मुनिजा की हत्या हो गई। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय धुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर गांव के ही 2 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच आरंभ कर दी गई है। वही मृतक के शव को सील कर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। को मार रहा है दुश्मनी हमार दुजन ने खेल रहा है हमार तनाए देखन को मारा को नाए मारा है जो हम की काका ही रे हम जाग पाए हुई थे तो जाने थे को मारा ही रे दुश्मनी दुजन ने केर हमारी है तो हम जाने थे ही मारते हम कोई कनाए देख नहीं रे हम की का कही दी को मारा है रे जाग परे हुई तो जन भई कारित को मारा को नाए मारा रे तो सब चले गए हुए हैं कोई घनश्याम तेज बोलिए घनश्याम लाल पिता का नाम गिरधारी लाल कहाँ रहते हैं मिश्रण पुरवा मजरा राम लोग थाना ईसा नगर क्या घटना हुई है ये रात में ये घटना हुई है मैनेजर का और राम निवास का दुश्मनी रहा और निजामू के और दोनों लोग आकर के रात के मार दी निजामू हाँ कहाँ के हैं निजामू गाँव के हैं और राम निवास ढकिनिया के हैं अच्छा हाँ तो ये किस बाबत मारा ये जो ताराकांत से झगड़ा हुआ था एक बार मैनेजर से तो राम निवास ने जा करके ताराकांत के खिलाफ मुकदमा करवा दिया मुकदमा करवाने के बाद हरियर मेर से जब कायम हुआ तो उसके क्लेम निकला 2,25,000 रुपया निकला तो 1,95,000 रुपया मिल गया 30,000 खाता में रह गया तो जो 1,95,000 रुपया निकला तो राम निवास ने बहका करके कहा कि मतलब तुम्हारे पास चोर ले लेंगे तो हम ले चलेंगे घर तुमको दे देंगे घर ले जाने के बाद महीना खाड़ इधर उधर बहकाते रहे फिर कहा कि मैनेजर की पत्नी से न कि हमारे घर अगर रहो तो तुमको पैसे दे अगर नहीं रहोगी तो नहीं देंगे तब उसने लड़ाई कर दिया तब राम निवास और निजामू जो है निजामू ने गवाही दिया जब राम निवास ने पैसे हड़प कर लिया तो निजामू ने गवाही दिया था उसने पैसा मांगा मैनेजर से मैनेजर के पास था नहीं कुछ जब राम निवास मैनेजर पैसा नहीं पाया तो कहा दे दे तब निजामू कहला कि हम मार डरबे तुमका तो ये लफड़ा चल रहा है एक साल से मुनिजर को मार डालेंगे हाँ मुनिजर को मार डालेंगे तो ये दोनों आदमी रोज आते जाते थे इनके दरवाजे पर रोज आते जाते थे और कहा कि हमको हम इनको जान से मार देंगे मुनिजर को आज वही मार डाल हो गया। इसका मतलब जो पहले क्या नाम बताया उनका पाड़े का ताराकंद हाँ। यानी ताराकंद को फिर फर्जी खेल पैसे के चक्कर में फंसाया पैसे के चक्कर में फंसाया राम निवास ने फंसवाया हाँ। उनपे हरिजन बनाम संभाल लगवा दी अच्छा राम निवास क्या रहा उनकी दुश्मनी रहा राम निवास और ताराकंद के हाँ यानी राम निवास ने और इन लोगों ने एक तीर दो शिकार खेल लिए दो शिकार खेली फर्जी फंसा दिया फर्जी फंसा दिया
ताराकंद के हैं और मुआवजे की हालत में और पैसे के चक्कर में है और दुश्मन वो जाने पैसा मिल जाए दुश्मनी वो हमारे दादा रही इसके चक्कर में हुए मुकदमा कायम करो यानी हरिजन राम सबण की धाराओं का दुरुपयोग किया गया और उसे पैसे जान ले ली उसे पैसे जान ले ली ठीक। थाना ईशानगर क्षेत्र अंतर्गत मिशन पूर्वा रामलोक गांव से बीती रात को एक सूचना प्राप्त हुई कि मुनेजर अपने परिवार के साथ छप्पर में सोए हुए थे जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनके चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया। शव को नियमानुसार पंचायतनामे की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर गांव के दो व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर घटना में उनकी संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही है। क्षेत्राधिकारी धोरारा के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन कर शीघ्र ही घटना के अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS Live News।